बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, 5/1/2019 को शब के वक्त यतीन दोडाग इलाका थाना रहीमाबाद में चंद नामालूम मुलजिमान ने चार दुकानों को उनके ताले तोड़कर उनसे काफ़ी ज़्यादा सामान और नकदी चोरी किए थे। ये जिन जिन कसान के दुकान थे इसमें एक अमीर आलम खान, शाह हुसैन, ये तिंदुड़ाक से ताल्लुक़ रखते हैं और इनके दुकानात थे, तो उनसे सामान वगैरह नकदी वगैरह रात के वक्त चोरी करके जिन उन्होंने नामालूम मुलजिमान के खिलाफ थाना रहीमाबाद में रिपोर्ट करवाई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अशफाक अनवर ने इस वाक़े का सख्ती से नोटिस लेते हुए DSP साहब सिटी हबीबुल्ला खान, इंस्पेक्टर जानजेब खान इंचार्ज DSP, SHO रहीमाबाद, इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज रहीमाबाद और दीगर अफसरान पर मुश्तमिल एक टीम तश्कील देकर जिन्होंने सेंसी बुनियादों पे तफ्तीश करके असल मुलजिमान उनको ट्रेस करके बादहु गिरफ्तार होकर जो आपके सामने खड़े हैं उनको प्रॉपर तरीके से इंटरोगेट करके जिन्होंने वाकया का कन्फेशन भी किया और उनसे ये जो सामने टेबल आपके में पड़ा है सामान भी बरामद किया। इसमें 34 अदद बंडल तार है, शैम्पू है, टूथपेस्ट, साबुन, मोबाइल कार्ड, मुख्तलिफ किस्म के वाईफाई है और नकद रकम है 1100। इसके अलावा सिगरेट के मुख्तलिफ पैकेट भी है, 19 अदद उसमें शामिल है। मुलजिमान को प्रॉपर तरीके से इंटरोगेट करके जिन्होंने इन चार दुकानात का भी वकूआ तस्लीम किया और इसके अलावा दीगर भी जो मुख्तलिफ इलाकों से चोरी चकारी हुई है उनका भी तस्लीम किया। मुलजिमान हमारे पास कस्टडी में है और इंशाल्लाह ताला फर्दर भी इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन जारी है और उनसे हम मज़ीद प्रोग्रेस भी करेंगे।